अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से हम सब भी अच्छे से हैं और हम हाजिर हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है 18वां रोज़ा, आई थिंक, हाँ बराबर 18वां रोज़ा है। मैंने भिगा दिए चने क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर आज इफ्तारी के लिए, तो इंशाल्लाह चने बना कर लेके जाऊँगी साथ में। सुबह ही भिगो दिए है, अब बज रहे कुछ 11, तो इसको भिगो के रख दिए। इसको बना दूँगी जोहर के बाद में। और फिर आज मुझे दावत है, मेरे जिठानी ने दावत दिया है मुझे इफ्तारी की, आज उनके यहाँ से दावत आई है मुझे, तो मैं जा रही हूँ मेरे जिठानी के यहाँ पे इफ्तारी के लिए। तो ये तो मैंने भिगो के रख दिए है, ठीक है। और ये है कपड़े, अब मैं लगाऊंगी कपड़े। मशीन में पानी भर चुका है, आज ज़्यादा कुछ है नहीं मुझे, वहाँ पे जाऊंगी इंशाल्लाह मैं। और ये लोग देख रहे हैं टीवी, और अब्दुल बासित को जो है लग गई है। अब्दुल बासित उंगली दिखाओ, ये देखो इसको लग गया है। कोई कीड़ा होता है ना, उसने काटा है, बीटल आई थिंक, हाँ। तो इसकी कल ड्रेसिंग करा के लाई हूँ मैं, एक दो दिन लगेंगे इसको सूखने के लिए, इससे थोड़ा सा अच्छा भी फील नहीं हो रहा है। चल, और मैं समेट रही थी कपड़े सब, जिधर का उधर कर रही थी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा कुकिंग नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह कुरान शरीफ़ की तिलावत ज़्यादा करूँगी। और क्या होता है पता है कि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता है सिलाई के लिए, जो मैं करती हूँ स्टिचिंग, उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। ये बर्ड्स, तो मैं जो है तरावी के बाद यानी कुछ 10 बजे से मैं मेरी स्टिचिंग या जो भी काम होता है वो करती हूँ, लगभग 1 से 2 घंटा करती ही हूँ वो काम, तो उसमें जो है मेरा टाइम जाता है। इसके लिए ये सारे काम जो है मैं दिन में ही करके रखती हूँ। और आज धोए थे दस्तरखान बहुत टाइम के बाद, एक्चुअली रमज़ान में 2-3 बार हो चुके थे, पर क्या हो रहा है गंदगी बहुत हो रही है, तो मुझे बार बार दस्तरखान सबको ही धोना पड़ता है। तो चलिए अब मिलती हूँ, इसके बाद कुछ करूँगी या निकलूँगी या चने बगारूँगी तभी। और ये बॉईल कर चुकी है मैं आलू, क्योंकि मैं थोड़े से लाल आलू और चने बना के लेके जा रही हूँ, क्यों इफ्तारी के लिए जा रही हूँ जेठानी के यहाँ पे। वो लोग तो माशाल्लाह बनाएंगे भी, बट ऐसे जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा चलो थोड़ा मेरे हाथ का बना के लेकर जाती हूँ। तो चलिए ये आलू बॉईल, ज़्यादा गर्म है, आलू बॉईल हो गए, इसके बाद जो है चने रख दूँगी बॉईल के लिए। और इसकी पढ़ाई चल रही है और मम्मी ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आलू छिल रहे हैं। काई कैसे थे? कैसा कर रहा था, कैसा कर रहा था, वापिस वापिस, हाँ बस दादा ने क्या पढ़ रहा? मैथ्स। क्या? मैथ्स। मैथ्स, हाँ मैथ्स बोल, मैथ्स। तो ये हो चुके हैं ये लोग रेडी इफ्तार के लिए जाने के लिए, और 5 बज रही इफ्तार के लिए। और ये है जो मैंने थोड़ा बहुत बनाया था वो, और ये है, और ये हूँ मैं, तो चलिए निकलते हैं। और ये हूँ मैं, हाय। तो तू नहीं मम्मी, मैंने आज ऊपर का सब चमकी बनाई, चमकी लाओ क्या मम्मा लाइट बंद कर दी? तो ये मम्मी ने दिखाया कि नहीं दिखाया मालूम नहीं, बट देख सकते हो हमारा फैन में नया आ चुका है, मतलब लग चुका है। और ये पहले का था, मतलब ये पहले का था। और ये हम पहुंच चुके थे मेरे ससुराल, वहाँ पे जो कि हमें इफ्तारी की दावत थी, और मैंने जो चने बना के लेकर गई थी उसमें मुझे सब ऐड करना था, जैसे प्याज, टोमेटो, ककड़ी वगैरह, तो ये वो सब मैं ऐड कर रही थी। और ये मेरी जेठानी की बेटी है जो शूट कर रही थी, मुझे कह रही थी चाची मुझे शूट करना है, इसके लिए उसको दिया था मैंने शूट करने के लिए। चने वगैरह सब रेडी हो चुके थे, इसके बाद जो है मैं बैठ चुकी थी फ्रूट्स काटने के लिए, क्योंकि ये जो फ्रूट है इफ्तारी जो है मस्जिद में जाने वाली थी, क्योंकि मस्जिद में खाना भी था और इफ्तारी भी थी, दालचा खाना बनाया था मेरे जेठ ने, तो उसके लिए ये मस्जिद में
इफ्तारी जाने वाली थी, वो हम लोग सब फ्रूट वगैरह सब सॉर्ट आउट करके रख रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 6:20 आई थिंक 6:15-20 हो चुके थे। और ये हो रहे थे समोसे फ्राई दोनों जगह पे, क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, इसके लिए जल्दी जल्दी फ्राई कर रहे थे। इसके पहले सब हो चुका था फ्राई, वो लोगों ने चिकन के रशियन कबाब और पैटीज वगैरह सब वो लोगों ने बना के रखे थे, क्योंकि मैं फ्रूट काट रही थी तब तक वो लोगों ने सब फ्राई कर दिया था और फिर मैं भी चले गई थी उनकी मदद के लिए। और ये जो मैं बना कर लेके गई थी चने बटाटे वगैरह सब, ये सब वो सब वो लोगों ने सजाए हुए थे दस्तरखान पे। उसके बाद जो है हम लोग जा रहे थे रिटर्न घर, बच्चे बहुत थक चुके थे, लगभग अब्दुल बासित तो सो ही चुका था रिक्शा में। तो ये हो चुका था नेक्स्ट डे, 19वां रोज़ा था एक्चुअली ये। और हम लोग जो है वो निकल चुके थे हिजामा के लिए, बिकॉज अब्दुलरहमान का और अब्दुल बासित का दोनों का अपॉइंटमेंट था और मुझे किसी के कपड़े जो मैंने स्टिच किए थे वो देने भी थे, पूरे हो चुके थे, इसके लिए हम लोग निकल चुके थे हिजामा के लिए। करा अब्दुल वेट चेक, अब्दुलरहमान करे वेट चेक, 45 है माशाल्लाह। तो आज है 19वां रोज़ा, हिजामा से जाने के बाद कुछ शूट हो ही नहीं रहा है क्योंकि लाइटें नहीं है हमारे घर में सुबह से। तो अब बज चुके 4:30, अब आई हूँ मैं किचन में, कब से रास्ता देख रही हूँ, लाइट अभी आएगी जब ही आएगी, पर लाइट का कुछ पता नहीं, कुछ तो हुआ है इसके लिए लाइट नहीं। तो चलिए मैं आ चुकी किचन में, अब मैं बन करती हूँ मेरी तैयारी जैसी भी होती है। सबसे पहले जो है मैं बना रही हूँ आज छोले पूरी, दिखाती हूँ आपको, मैं बना रही हूँ आज बड़े छोले ये वाले, और इसके साथ बनाऊंगी पूरी इंशाल्लाह। अब इसके लिए जो मसाला मुझे पीसना है उसके लिए तो लाइट ही नहीं, देखते हैं चलो कुछ ना कुछ करते हैं। सबसे पहले आटा गूंथ के लेती हूँ मैं। और ये बैठ चुके थे हम लोग इफ्तारी के लिए, मैंने आज छोले पूरी बनाए थे, कुछ अलग छोले ट्राई किए थे, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने थे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ। आप सबके लिए दुआ कीजिए, स्पेशली फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।